डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉइड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगी और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी, केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को
एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी, वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल के सफर को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम आज ये भी जानते हैं कि यह जमीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।